गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु शर्मा, स्कूल ऑफ एजुकेशन UPRTU से। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, BEd SE01, ब्लॉक 2, यूनिट 6। और आज उसके अंतर्गत हम जिन दो थ्योरीज के बारे में चर्चा करेंगे, वो एक तो है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी और एक है होलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन विस्तार से चर्चा करने से पहले हमें पता करना होगा कि पिछली इकाई में हमने की चर्चा की थी, क्या अध्ययन किया था। तो पिछली इकाई में हमने एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी और फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में चर्चा की थी। अब प्रस्तुत इकाई में हम बायो इकोलॉजिकल थ्योरी और होलिस्टिकल थ्योरी के विषय में चर्चा करेंगे। इन थ्योरीज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार हैं। अब बायोलॉजिकल मॉडल के बारे में बात करें, मतलब उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, तो ये ब्रॉफ ने बेनर ने स्टार्ट किया था और इसका नाम रखा था बायो इकोलॉजिकल मॉडल। ब्रॉफ बेनर जो है, उसने विकास के प्रयोग के बारे में वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे, जिसका यह अर्थ है कि वे तत्काल वातावरण में बातचीत के स्थायी और निरंतर रूप, उनका ध्यान पर्यावरणीय प्रभावों से हटाकर समय के साथ व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली विकासात्मक प्रक्रिया पर केंद्रित हो गया। इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि विकास की इन प्रक्रियाओं के प्रभाव को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें व्यक्ति संदर्भ और विकासात्मक परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि ये प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं और लोगों को अलग अलग प्रभावित करती है। उनके मूल पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, उसके सिद्धांत ने पर्यावरण प्रणालियों की भूमिका पर जोर दिया था। उनके बाद के जो बायो इकोलॉजिकल मॉडल ने सूक्ष्म स्तर की बातचीत पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। बायो इकोलॉजिकल बदलाव ने सक्रिय रूप से विकसित होने वाले और व्यक्ति और उनकी तत्काल सेटिंग के बीच में पारस्परिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला। यह अधिक गतिशील विकास प्रक्रिया पर दृष्टिकोण है। और ब्रॉफ बैनर के अकॉर्डिंग के एक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि बायोलॉजिकल मॉडल की बात करें, तो बायोलॉजिकल मॉडल ने अभी भी अपने मूल सिद्धांत से व्यापक पर्यावरण प्रणालियों को समीपस्थ प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक प्रभाव के रूप में स्वीकार किया है। विकासात्मक प्रक्रियाओं को सबसे अलग लाते हुए उनके पार इकोलॉजिकल तंत्र के सिद्धांत की नींव निर्मित व्यक्ति पर्यावरण इंटरेक्शन को विकसित करने पर बायोलॉजिकल फोकस करता है। मतलब ये जो है, ये तंत्र जो है व्यक्ति और पर्यावरण के जो इंटरेक्शन को बताता है, उसका फोकस उस पर है। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया बायोलॉजिकल का। अब ये किस तरह से क्लासरूम में किस तरह से इसे अप्लाई किया जाता है, क्या कैसे क्या 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 हो सकता है उसका। बायोलॉजिकल सिद्धांत की बात करें, तो उसका उपयोग मनोवैज्ञानिक और सैद्धांतिक शैक्षिक सिद्धांत को प्रारंभिक शैक्षिक पाठ्यक्रम और अभ्यास से जोड़ने के लिए किया गया है। विकास बच्चा सिद्धांत के केंद्र में है। इसमें बच्चा जो केंद्र में होता है और पांच पार्स इकोलॉजिकल प्रणालियों के भीतर उनके बीच जो कुछ भी होता है, वह कक्षा में और बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों और माता-पिता को एक दूसरे के साथ अच्छा संचार बनाए रखना चाहिए। शैक्षिक अभ्यास में इकोलॉजिकल प्रणाली में विकास को मजबूत करने के लिए बच्चे को लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर काम किया जाना चाहिए। शिक्षकों को उन स्थितियों को भी समझना चाहिए जिनका उनके छात्र के परिवार अनुभव कर रहे हैं, जैसे जिसमें सामाजिक आर्थिक भी कारक भी शामिल होते हैं जो विभिन्न प्रणालियों का हिस्सा है। सिद्धांत के अनुसार यदि माता पिता और शिक्षकों के बीच अच्छे संबंध हैं, तो इससे बच्चे के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से बच्चे को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से सीखने में सक्रिय होना चाहिए। अब सकारात्मक विकास को सक्षम करने के लिए उन्हें अपने साथियों के साथ सहयोग
करना चाहिए और सार्थक सीखने के अनुभवों में भाग लेना चाहिए। ब्रोफेनर ने के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए एक स्टडी भी आई थी, जिसमें उन्होंने शिक्षक रिपोर्ट्स और कक्षा अवलोकन के माध्यम से शिक्षक बालक संबंधों की जांच की गई थी। उन्होंने इसमें पाया गया था कि ये रिश्ते बच्चों को शैक्षणिक उपलब्धि कक्षा व्यवहार से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित थे। यस, और इसमें सुझाव दिया गया था कि ये रिश्ते बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और पारिस्थितिक प्रणाली के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। विल्सन ने भी स्टडी में भी पाया गया था उनके अवॉर्डिंग विविधता को महत्व दिया गया, जिसे स्कूल लोकाचार के माध्यम से सकारात्मक स्कूल वातावरण बनाने में स्कूल के भीतर छात्रों के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के स्कूल लोकाचार को शामिल करने से विकासशील बच्चों के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। अब इसका इवैल्यूएशन करते हैं, बाय इकोलॉजिकल थे का इवैल्यूएशन करें तो उसके स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और उसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ, ब्रोफेनबेनर का जो मॉडल है बहुत ही आकर्षक है। बाल विकास का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और शिक्षकों के लिए उपयोगी ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया है। इकोलॉजिकल जो प्रणाली है उसके सिद्धांत समग्र दृष्टिकोण की बात करता है, जो सभी प्रणालियों को शामिल करता है, जिसमें बच्चे और उसके परिवार शामिल है, जो वास्तविक पारिवारिक संबंधों की गतिशील प्रकृति को सटीक रूप से दर्शाता है। ब्रोफेनर का सिद्धांत काफी ज्यादा उपयोगी है। उनका एक सुझाव दिया गया है कि सुझाव की माने तो विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों में अप्रवासी बच्चों के अनुभव उनके सांस्कृतिक मतभेदों से आकार लेने की संभावना रहती है। इन बच्चों की इकोलॉजी को समझने के लिए इन बच्चों के सामाजिक कार्य सेवा वितरण को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। अब इसकी सीमा क्या क्या है, मतलब उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। इकोलॉजिकल जो प्रणाली है इसमें सिद्धांत एक सीमा है कि मेसो सिस्टम की जांच के लिए सीमित शोध है, मुख्य रूप से पड़ोस और बच्चों के परिवार के बीच बातचीत। इसलिए प्रणाली किस हद तक बाल विकास को आकार दे सकती है स्पष्ट नहीं है। ब्रोफेनबेनर के सिद्धांत की एक और सीमा यह है कि सिद्धांत का अनुभवजन्य परीक्षण करना बहुत ही कठिन है। इकोलॉजी और प्रणालियों की जांच करने के लिए अध्ययन के लिए एक प्रभाव स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वे यह स्थापित नहीं कर सकते कि क्या प्रणालियां सीधे तौर पर ऐसे प्रभाव का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा सिद्धांत धारणा को जन्म दे सकता है कि जिनके पास मजबूत और सकारात्मक इकोलॉजिकल सिस्टम नहीं है वे विकास उनके विकास में कमी हो सकती है। हालांकि कुछ मामलों में सच भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अपने इकोलॉजिकल सिस्टम में सकारात्मक प्रभाव के बिना भी एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल क्या है, क्या ये इसमें कहना सही नहीं है कि दुनिया के गरीबी ग्रस्त क्षेत्रों में पले बड़े सभी लोगों का विकास नकारात्मक होगा, ये सही नहीं होगा क्योंकि कुछ लोग डेवलप भी हो जाते हैं। इस तरह से यदि किसी बच्चे के शिक्षकों और माता पिता के बीच तालमेल नहीं है तो कुछ बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता, अगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के पर उनका फर्क नहीं पड़ता है तो माँ बाप और अगर पेरेंट्स के साथ उनके तालमेल अच्छे नहीं है बहुत बार, तब भी उनका डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप लोगों को इस सिद्धांत का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बारे में व्यापक धारणा बनाने से बचने की आवश्यकता है। अब 21वीं शताब्दी में इस थियरी कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के पेश होने के बाद से दुनिया बहुत बदल गई है, इसलिए विचार करना महत्वपूर्ण है क्या ये सिद्धांत आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही वैल्यूएबल है। कैलियन कफलॉन ने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करने के लिए रचनावादी आधारभूत सिद्धांत विश्लेषण का उपयोग किया और पाया कि उनके हालिया सिद्धांत में ब्रोफेनबेनर के इकोलॉजिकल सिद्धांत के कई लिंक हैं। उनके सिद्धांत ने सुझाव दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य सुधार के घटक प्रभावी रिश्तों के पारिस्थितिक संदर्भ में अंतर्निहित है, जो ब्रोफेनबेनर के सिद्धांत के साथ फिट बैठता है और है कि युवा व्यक्ति की इकोलॉजिकल सिस्टम जैसे कि सहकर्मी, परिवार और स्कूल सभी मानसिक स्वास्थ्य में मदद करते हैं विकास के लिए। हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि
ब्रॉफेनबेनर का सिद्धांत 21वीं शताब्दी में उन्नत तकनीकी प्रगति के साथ फिट बैठता है? ऐसा हो सकता है कि इकोलॉजिकल सिस्टम अभी भी वैध है, लेकिन समय के साथ नए आधुनिक विकासों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए, एक बच्चे के इकोसिस्टम के भीतर सोशल मीडिया, वीडियो गेमिंग, अन्य आधुनिक इंटरेक्शन के प्रभावों पर विचार करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं स्टैनर की होलिस्टिक अप्रोच की। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, थ्योरी जो है इसमें बात की गई है प्रारंभिक बचपन में शिक्षा के बारे में। इस प्रकार की शिक्षा के लिए वॉल्ड्रोफ या स्टीनर का दृष्टिकोण जो है वो ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक रुडोल्फ स्टीनर की शिक्षा पर आधारित है, जिन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संबंध खोजने का प्रयास किया है और मानव शास्त्र की स्थापना की है। सीनर तथा विकास के समग्र सिद्धांत पर आधारित पहला स्कूल 1919 में कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्टटगार्ट में वॉल्डोर्फ एस्टोरिया सिगरेट कारखाने में खोला गया था। फिर उसके बाद वॉल्डोर्फ नाम हट गया और अब दोनों नाम समान रूप से लिए गए हैं। स्कूलों और प्रारंभिक बचपन में सेवाओं को जो संदर्भित करते हैं, जैसे जो स्टीनर के दृष्टिकोण को अपनाते हैं, स्टटगार्ट में स्कूल वॉल्डोर्फ स्कूल 8 कक्षाओं में 253 बच्चों के साथ शुरू हुआ। यह जल्दी हाई स्कूल के माध्यम से 1000 से अधिक छात्रों के साथ जर्मनी को सबसे बड़ा निजी स्कूल बन गया। अब 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया तो जर्मनी में 7 वॉल्डोर्फ स्कूल थे, जिनमें से सभी को राष्ट्रीय समाजवादी सरकार ने बंद कर दिया गया। अब इसकी इसकी क्या क्या विशेषता है, अब 21वीं शताब्दी की शुरुआत करें में ये फिर से खोला गया, इसमें जर्मनी के 100 से अधिक वॉल्डोर्फ स्कूल है। अंग्रेजी भाषा में पहला स्कूल 1925 में इंग्लैंड में खुला था। मेस्को में 152 स्कूल हैं। अब इस स्कूल की कुछ मुख्य विशेषता इस प्रकार हैं, जैसे कि मजबूत रिश्ते। सेनर ने एजुकेशन के लिए रिश्तों पे विशेष तौर से जोर डाला है, उस पर विशेष तौर से। स्टर्नर के अनुसार शिक्षा छात्रों और उनके शिक्षक के बीच संबंधों को अत्यधिक महत्व देती है। यह सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री के समान ही मूल्यवान है। यही कारण है कि स्टीनर शिक्षक को कुछ वर्षों के लिए अपने छात्रों के बीच मजबूत बंधन विकसित करने की अनुमति दे रहे हैं। शिक्षक हर साल कक्षा के साथ निचले स्कूल ग्रेड में आ जाता है, जिसमें सीनियर स्कूल में बच्चों के लिए पहले से ही 8वीं कक्षा तक एक शिक्षक होता है। यह अभ्यास शिक्षक को अपने छात्रों की ताकत, रुचियों, चुनौतियों और चरित्रों को जानने के लिए सक्षम बनाता है। वे छात्र उनके माता पिता को भी अच्छी तरह से जानते हैं और बच्चों को सीखने की यात्रा में उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे संगीत, फिजिकल एजुकेशन, कला की तरह अन्य जो विषय होते हैं शिक्षकों के साथ छात्रों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अब उसके विकास के जो दृष्टिकोण क्या क्या है उनके डेवलपमेंट इस थियोरी के, सीनियर स्कूल का लक्ष्य अपने छात्रों में बौद्धिक स्वतंत्रता और नैतिक जिम्मेदारी पैदा करना है, ताकि वैसे बने जो मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। इसके साथ ही वॉल्डोर्फ स्कूलों में शिक्षा के प्रत्येक समग्र दृष्टिकोण है। यह स्वीकार करता है कि बच्चों को अपने 3 पहलुओं से सिर, दिल और हाथों में को निखारने और उनके देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्टीनर स्कूल में सीखने के शुरुआती वर्षों में छात्र रचनात्मक तरीकों के माध्यम से गणित, विज्ञान, साहित्य, इतिहास जैसे मुख्य विषयों को सीखते हैं, जो उन्हें सुनने और भाग लेने के लिए हमेशा प्रेरित करता है और उसे आगे बढ़ते रहने के लिए भी व्यक्तित्व विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब अध्यापकता की बात करें, इसे डेवलपमेंट मैंने बोला कि तो डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। रूडोल्फ स्टीनर ने यूरोपीय शिक्षा प्रणाली से चुनौती महसूस करते हुए उन्होंने एक वैकल्पिक पद्धति विकसित की जहां बच्चों को कल्पना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया गया और उनके सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों का पोषण किया गया। रूडोल्फ स्टीनर ने शिक्षकों को बच्चों के शैक्षिक कौशल को विकसित करने के लिए रचनात्मक तरीकों की तलाश करने। रूडोल्फ स्टीनर ने बच्चों को शैक्षिक कौशल को विकसित करने के लिए रचनात्मक तरीकों को तलाश करने और विषयों के मूल और अवधारणा को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में कला को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षक छात्रों को उनके सामाजिक कौशल और समुदाय की भावना विकसित करने में मदद करने का भी प्रयास किया। आम भलाई के लिए मिलकर काम करने से पनपती है। अब इसके अलावा प्ले को, यानी कि प्ले गेम्स स्पोर्ट्स को पे जोर डाला, जिसमें सीनियर शिक्षा युवा शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेल आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करती है। खेल आधारित कार्यक्रम में बच्चे अन्वेषण करते हैं, प्रयोग, खोज, समाधान के माध्यम से सीखते हैं। सीखना बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है और शिक्षक द्वारा समर्थित होता है। वे बच्चों को खेल में सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और रचनात्मक कौशल विकसित कर सकते हैं। खेल के माध्यम से शिक्षक बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वे सामाजिक संपर्क के माध्यम से सहयोग, साझाकरण, बातचीत और संघर्ष समाधान के कौशल सीखते हैं। इसके अलावा आप तीन आते हैं लय, इसमें बात की गई है लय, दोहराव और श्रद्धा की। और लय, दोहराव और श्रद्धा वाल्डोफ प्रारंभिक बचपन शिक्षा के तीन आर हैं। लय, तो सबसे पहले आता है लय। बच्चों के दुनिया में शांति, प्राकृतिक व्यवस्था की भावना लाती है। बच्चों के लिए एक स्वस्थ लय का होना आवश्यक है ताकि वे आश्चर्यचकित ना रहे। फिर आते दोहराव, इसमें सुरक्षा और कल्याण की भावना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं कि उनके दिन में प्रत्येक भाग के दौरान क्या होगा। जब पुनरावृत्ति होगी तो वे जानकारी को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। और प्रकृति में इसका अनुभव, वाल्डोफ शिक्षा के लिए प्रकृति और प्राकृतिक सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसमें वास्तव में उनके पास बहुत ही सुविचारित आउटडोर पाठ्यक्रम है। किसी बच्चे को प्राकृतिक दुनिया में जुड़ा हुआ इंसान बनाने में मदद करने के लिए कुछ स्कूलों में जंगल और कृषि अध्ययन, स्कूल आधारित उद्यान, पर्यावरणीय कार्य और व्यापक आउटडोर खेल होंगे। अब इस स्टीनर के दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं हैं। कुछ परिवार अपने बच्चों के सीखने के शुरुआती वर्षों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना चाहते हैं। यदि ऐसे माता पिता हैं तो वो बच्चों को कम उम्र में ही तकनीकी और गैजेट से परिचित करना चाहते हैं तो स्टीनर शिक्षा में ये पॉसिबल नहीं है। मतलब उसने प्रौद्योगिकी पर कोई जोर नहीं डाला है स्टार्टिंग में। जब तक कोई बच्चा कम से कम 5वीं कक्षा तक पहुंचता तब तक इसके अकॉर्डिंग प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गैजेट्स और उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है। कुछ स्टीनर स्कूलों में माता पिता समझौते पर हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं जो छात्रों के लिए तकनीकी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्यकारी होता है। यानी कि आप इसमें कोई भी गैजेट्स का प्रयोग कर नहीं सकते हैं। फिर वॉल्डोर्फ शिक्षा के छात्रों को केवल छठी कक्षा तक पहुंचाने पर फिल्में व टीवी शो देखने की अनुमति होती है और तब भी देखने का समय सीमित होता है। हाई स्कूल तक पहुंचने पर उन्हें वीडियो गेम खेलने और इंटरनेट का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती है। कुछ परिवार मुख्यतः विषयों के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण को लेकर अधिक सहज होते हैं। वे पढ़ने, लिखने और गणित के लिए सामान्य सीखने के प्रक्रिया का पालन करते हैं। यदि इस तरह के माँ बाप इस एजुकेशन और स्कूल के प्रति झुकाव रखते हैं, अदरवाइज जो जो पेरेंट्स और आज की अगर
21st सेंचुरी की बात करें जिसमें गैजेट्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके लिए एजुकेशन है ही नहीं। तो हम अगर इसकी मेरिट्स की बात करें तो बच्चे को नेचुरलिज्म की तरफ ले जाता है, और लेकिन ये गैजेट से और 21st सेंचुरी की एजुकेशन से एकदम हटा देता है। तो हमें इसमें अगर एक मिड लाइन बनानी पड़ेगी ताकि हम दोनों के बीच का एक लाइन, एक मार्क बना के एजुकेशन को और इस थियरी को और अच्छी बना सकें। अब सीनर और मॉन्टेसरी के विधि के बीच में कुछ अंतर है। वॉल्डोर्फ शिक्षा जो है सिर, हाथ और पैर बेस्ड है, जैसे सीनर वॉल्डोर्फ की प्रारंभिक बचपन सीनर और जो वॉल्डोर्फ की और मॉन्टेसरी का जो एजुकेशन है वो, अगर मॉन्टेसरी के स्कूल की बात करें तो बच्चों के पालन पर जोर डालते थे। मॉन्टेसरी दृष्टिकोण का क्षेत्र केंद्रित, छात्र केंद्रित शिक्षा होती है, पर शिक्षक बच्चे का अनुकरण करते हैं। वे शिक्षार्थियों की रुचि, शक्तियों और क्षमताओं को समझने के लिए उत्सुकता से अपना निरीक्षण करते हैं। शिक्षक बच्चों को अपनी गतिविधि चुनने, उनकी गति से सीखने में सक्षम बनाता है। शिक्षक शायद ही कभी कक्षा में व्याख्यान देते हैं, बल्कि बच्चों को घूमने फिरने, उनके व्यक्तिगत कार्यों में काम करने की स्वतंत्रता होती है। मॉन्टेसरी प्राथमिक विद्यालय में ठोस शिक्षा तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब वे माध्यमिक शिक्षा या मिडिल स्कूल में पहुँचते हैं तो वे अधिक अमूर्त शिक्षा की ओर बढ़ जाते हैं। मॉन्टेसरी में बहुत कम दिखावा होते हैं और आमतौर पर प्री स्कूल में ही प्रोत्साहित नहीं किया जाता। वे कल्पनाशील खेलों के बजाय कार्य उन्मुख कार्य या व्यवहारिक आधारित सीखने पर अधिक जोर डालते हैं, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधि, सामाजिक संपर्क, स्वयं शुरू किए गए खेल और भावनात्मक विकास से जुड़ी गतिविधियों से संलग्न हो सके। स्टीनर वॉल्डोर्फ एजुकेशन प्री स्कूल और किंडरगार्टन के छात्रों को कल्पनाशील खेल के नाटक के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने खेल खिलौने कला सामग्री प्रदान किया जाते हैं। अगर अब स्टीनर की अगर थ्योरी की बात करें, जैसे हम इन दोनों के बीच में अंतर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इनका स्टीनर वॉल्डोर्फ की प्रारंभिक बचपन की शिक्षा मुख्य धारा के स्कूलों से अलग है, औपचारिक शिक्षा के बाद के वर्षों में आती है। सीनर के दर्शन का अनुसरण करते हुए उनका मानना है कि छोटे बच्चे अपने सिर, हृदय और हाथ से सीखते हैं। सीनर दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम में बहुत सारी रचनात्मकता को एकत्रित करने पर केंद्रित करते हैं। स्कूल बच्चों को रचनात्मकता और कलात्मकता दृष्टिकोण से शिक्षित करते हैं। उसके अलावा सीनर वॉल्डोर्फ स्कूल के कक्षा शिक्षक कहानी, दृश्य कला, कविता, भाषण, खेल और शिल्प के माध्यम से एक बच्चे की रचनात्मक सोच और गहन शिक्षा को प्रेरित करते हैं। स्टीनर वॉल्डोर्फ स्कूल बच्चों को खेल आधारित सीखने का अधिकांश समय बाहर बिताने की अनुमति देते हैं, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधि, सामाजिक संपर्क, स्वयं शुरू किए गए खेल, भावनात्मक विकास से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न हो सके। स्टीनर वॉल्डोर्फ एजुकेशन प्री स्कूल और किंडरगार्टन के स्कूलों की कल्पनाशील खेल और नाटक करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और उन्हें खिलौने, कला सामग्री और खेल प्रदान किए जाते हैं। तो ये कुछ एक दो पॉइंट को छोड़ दें तो बाकी ये एक दो बहुत अपोजिट भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ डिफरेंसेस में पाए जाते हैं। इस तरह से आज हमने बाय इकोलॉजिकल थियरी और होलिस्टिकल थियरी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की। तो अगर आपको इस बारे में कुछ भी, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप चैट बॉक्स के थ्रू या फिर तो यूनिवर्सिटी में आके फेस टू फेस क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।